हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नदीम और आप देख रहे हैं नदीम ऑनलाइन सेंटर। मेरे चैनल में अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आपको न्यू अपडेट सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको बताने वाले बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम के बारे में, जिसका आप ऑफिस देख सकते हैं 19A गुरुदास रोड कोलकाता 719। एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं 1/2022। फॉर्म का जो सबमिशन डेट है वो शुरू हो चुका है 4 जनवरी से, और फॉर्म का जो लास्ट डेट रखा गया है 31 जनवरी 2022 को। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं तो उसका 2 फरवरी को पेमेंट का डेट रखा गया है। फॉर्म आप लेकिन 31 तारीख तक फिल कर सकते हैं। जिनका पेमेंट नहीं होगा या पेमेंट अटक जाएगा वो 2 फरवरी तक पेमेंट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करते हैं तो देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर ए अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग पोस्ट। नंबर ऑफ वैकेंसीज मे इंक्रीज इन BITM यानी कि कोलकाता, BSC यानी कि बर्दवान, NBSC यानी कि सिलीगुड़ी, DSC दीघा, DSC यानी कि पुरुलिया। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज और पोस्ट के बारे में बात करते हैं तो देख सकते हैं आप ऑफिस असिस्टेंट में 2 वैकेंसी है, एक नंबर ऑफ वन वैकेंसी EWS के लिए 1 वैकेंसी रखा गया है, और OBC के लिए 1 वैकेंसी है। एक वैकेंसी जो EWS के लिए रखा गया है वो बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम यानी कि कोलकाता वाला है, और OBC के लिए यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ बंगाल साइंस सेंटर इन सिलीगुड़ी। इसका जो पे लेवल आप देख सकते हैं, इसका जो पे मैट्रिक्स आप देख सकते हैं 19,900 से लेकर 63,200 तक है। लेवल ऑफ 2 बेसिक पे के बारे में बात करते हैं तो 19,900 है इसमें, और इसमें टोटल अमाउंट यहाँ पर जो पर मंथ अमाउंट है यहाँ पर 30,848 है। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करते हैं इसमें तो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं इसमें आपको 12 क्लास पास चाहिए, साथ साथ आपको 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग आपको होना चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होना चाहिए आपका। और कंप्यूटर क्रॉस्पॉन्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर 10,500 से लेकर 9,000 की आपको डिप्रेशन पर आवर में आपको करना होगा। एजुकेशन असिस्टेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें 1 वैकेंसी रखा गया है, वो भी EWS के लिए, वो आपका पोस्टिंग है नॉर्थ बंगाल साइंस सेंटर सिलीगुड़ी। उसका पे मैट्रिक आप देख सकते हैं 29,200 से लेकर 92,300 तक है, वो लेवल 5 वाला है, और इसका जो पर मंथ सैलरी है वो 45,866 रुपये है। इसका जो अगर क्वालिफिकेशन का अगर बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ एनी 2 सब्जेक्ट्स रखा गया है, साथ साथ आपको 2 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर देख सकते हैं केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स रखा गया है। और भी यहाँ पर दिया हुआ है, वीडियो के नीचे आप देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से एडवर्टाइजमेंट आप देख कर ही फॉर्म को अप्लाई करें। एक्सपीडिशंस असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी है, वो भी OBC के लिए, वो आपका पोस्टिंग आप देख सकते हैं बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम यानी कि कोलकाता के लिए है। पे लेवल आप उसका देख सकते हैं 29,200 से लेकर 92,300 तक है, वो पे लेवल 5 वाला है, और इसमें जो पर मंथ रखा गया है वो 50,852 रुपये है। इसका क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो इसमें देख सकते हैं क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन विजुअल आर्ट्स एंड फाइन आर्ट्स वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे टोटल पोस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, आप वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, आप ध्यान से इसे पहले पढ़कर उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें। अगर इसकी एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें एज लिमिट जो पहला वाला जिनके बारे में हमने बताया था 12 क्लास पास जिसमें कंप्यूटर नॉलेज मांग रहा है और टाइपिंग टेस्ट मांग रहा है, वो उसके लिए 18 साल से लेकर 25 साल तक एज रखा गया है। अब बाद बाकी जितने सारे पोस्ट है यहाँ पर आपको 18 से लेकर 35 साल तक एज वाले कर सकते हैं। इसका अगर एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं तो इसमें 200 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना पड़ेगा, और वुमेन कैंडिडेट एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्सर्विक्स मैन को यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लग रहा है। अब फीस का जो पेमेंट है वो ऑनलाइन पेमेंट है, वो 2 तारीख तक रखा गया है ऑनलाइन पेमेंट। हाउ टू अप्लाई में अगर देख सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी इसमें मांग रहा है, सब इस सब में सेल्फ अटेस्टेड आपका होगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो 200 KB के अंदर होना चाहिए, वो भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। और आप इसका ऑफिशियली वेबसाइट देख सकते हैं www.bitm.gov.in/recruitment। इस वेबसाइट में आप जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म का जो लास्ट डेट रखा गया है वो 31 जनवरी 2022 तक रखा गया है। और आप अगर फोटो अगर अपलोड करें तो फोटो 100 KB के अंदर फोटो अपलोड करें, और बैकग्राउंड अगर वाइट हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको फेस इसमें कवर सही से होना चाहिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको न्यू अपडेट सबसे पहले पता चल सके। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।